छतरपुर पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उसकी कई कहानी सामने आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है उसकी हवेली, जिसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। इस हवेली के निर्माण में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसे हाजी शहजाद ने फिल्म सनम बेवफा को देखकर बनवाया था। अब हाजी शहजाद अली की गिरफ्तारी के बाद उसकी हवेली की कई कहानियां भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, पत्थरबाजी में नाम सामने आने के बाद प्रशासन ने हाजी शहजाद अली की हवेली को ध्वस्त कर दिया है। 3 बुलडोजर की मदद से करीब 6 घंटे में हाजी के आलिशान हवेली को ध्वस्त कर दिया गया था। इस हवेली से इलाके में उसकी हनक थी, साथ ही मोहल्ले में लोग नाम भी अदब के साथ लेते थे। पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। हवेली की जगह अब मलबे का ढेर है। हाजी शहजाद अली की हवेली उसका सपना था, उसने इसे बनवाने में अकूत दौलत खर्च की थी। 2017 से इसका काम चल रहा था और करीब 7 साल बाद बनकर तैयार हुआ, और अभी पूरी तरह से हाजी शहजाद अली शिफ्ट भी नहीं हुआ था। जानकार बताते हैं कि आलिशान हवेली के अंदर जो झूमर लगे थे उसे दुबई से मंगवाया गया था। हाजी शहजाद अली खुद भी दुबई के दौरे पर जाता रहता था। आरोपी हाजी का घर बाहर से जितना आलिशान था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। 5-स्टार होटल की तरह अंदर से सजावट की गई थी। सजावट के लिए कीमती सामान अरब देशों से मंगवाए गए थे। इसमें पेंटिंग से लेकर अन्य खूबसूरत चीजें थी। हाजी शहजाद अली अपनी हवेली को खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। वहीं हाजी शहजाद अली की हवेली में कई सीक्रेट चीजें थी। बताया जाता है कि उसकी हवेली में कई सीक्रेट दरवाजे थे, जिसका वह शिफ्ट होने के बाद उपयोग करता। इसके साथ ही अलग अलग एंगल से CCTV कैमरे भी लगवाए गए थे। कैमरों से वह आसपास की गतिविधियों पर नजर रखता, लेकिन अब पुलिस तमाम मामलों की जांच कर रही है। आपको बता दें, छतरपुर में अब से करीब 25 साल पहले नए मोहल्ले में रहने वाले टैक्सी चालक जहूर अली के 4 बेटे हैं, आजाद, शहजाद, फयाज और इम्तियाज। इन चारों बेटों में से शहजाद अली अब से करीब 25 साल पहले पिता जहूर अली के साथ टैक्सी चलाया करता था। जब टैक्सी चलाने में ज़्यादा पैसा नहीं मिला तो शहजाद ने पुराने गर्म कपड़े दिल्ली और मुंबई से लाकर फुटपाथ पर छतरपुर में बेचना शुरू किया। फिर भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। उसके जहन में जल्द बड़ा आदमी बनने का सपना था। तभी उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इसके लिए उसने सबसे पहले समाज में उठना बैठना शुरू किया, फिर धीरे धीरे समाज के लोगों को अपने विश्वास में लिया और समाज का नेता बनने लगा। शहजाद अली समाज का सदर भी बना और हज करके आया तो हाजी शहजाद अली कहलाने लगा। हाजी शहजाद अली और उसका भाई आजाद अली, फयाज अली ने कांग्रेस ज्वाइन की और तीनों कांग्रेस में किसी न किसी पद पर आसीन भी रहे। इसमें आजाद अली पिछले 5 बार से लगातार पार्षद चुनता आ रहा है। शहजाद अली कांग्रेस का पूर्व जिला उपाध्यक्ष है। भाई फयाज अली भी कांग्रेस में नेतागिरी करता है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद छतरपुर पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने हाजी शहजाद अली को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पत्थरबाजी की घटना को लेकर उससे कई सवाल किए जा रहे हैं। वही मामले में मुख्य आरोपी है, उसी के नेतृत्व में थाने में भीड़ पहुंची थी। साथ ही पुलिस उसके पुराने कारनामों को भी खोल रही है। उस पर अवैध तरीके से जमीन कब्जाने के भी आरोप हैं।